फिल्म आरआरआर ने ऑस्कर अवार्ड्स पे अपना परचम लहराने के साथ ही इतिहास रच दिया। गोल्डन ग्लोब में छाने के बाद नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर अवार्ड को भी अपने नाम कर लिया। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 95 ऑस्कर अवार्ड्स में एक्टर रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। भारतीय फिल्म आरआरआर के सुपरहिट गाने नाटू नाटू को जब बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड मिला तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साउथ की इस फिल्म में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। आरआरआर फिल्म के जिस सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, इस गाने को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। फिल्म का गाना नाटू नाटू दोस्ती पर बनाया गया है। इस गाने को बनाने में पूरे 19 महीने लगे थे। गीतकार चंद्र बोस ने फिल्म के लिए 20 गाने लिखे थे, लेकिन उन 20 में से नाटू नाटू को फाइनल किया गया। इस गाने की रोचक बात यह है कि इस गाने का 90% हिस्सा सिर्फ आधे दिन में तैयार हो चुका था और 10% बचे हुए गाने को पूरा करने में 19 महीने लग गए थे। इससे साफ पता चलता है कि इस गाने की एक एक लाइन पर बहुत मेहनत की गई, तब जाकर नाटू नाटू सॉन्ग को फिल्म के लिए तैयार किया गया। పొలంగట్టు దుమ్ములోన పొట్లగిత్త దూకినట్టు పోలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్రజొన్న రొట్టెలోన మిరపతుక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 ఊర నాటు గానే మే నాటు నాటు శబ్ద కా కిస్సా భీ బేహద్ దిల్చస్ప్ హై। गीतकार चंद्र बोस कार से आरआरआर के ऑफिस जा रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त उनके दिमाग में नाटू नाटू शब्द आया। दो दिन में चंद्र बोस ने गाने के 3 मुखड़े बनाए और संगीतकार किरवानी से मिले। उन्होंने आखिर में पसंदीदा छंद सुनाया। किरवानी को ये पसंद आया और उन्होंने गाने पर अपनी सहमति दे दी। जूनियर एनटीआर का किरदार कोमरम भीम तेलंगाना का था, वहीं अलरू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के थे। ऐसे में गाने में 1920 के दशक के दोनों इलाकों की भाषा का इस्तेमाल किया गया और आज यही नाटू नाटू गाने के बोल दुनिया की जुबान पर हैं। कैसे चलते चलते निकले बोल पूरी दुनिया में छा गए, ये फिल्म से जुड़े लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। फिल्म आरआरआर के लिए गाना फाइनल होने के बाद गाने की शूटिंग के लिए बेहतर लोकेशन को भी फाइनल करने में कड़ी मेहनत लगी। नाटू नाटू गाने की शूटिंग यूक्रेन में की गई थी। जिस महलनुमा इमारत की झलक दिखती है गाने में, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का प्रेसिडेंट हाउस मरिंस्की पैलेस है। गाने की शूटिंग यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस के ठीक सामने कीव में की गई। गाने को अगस्त 2021 में यूक्रेन में शूट किया गया। जब गाना शूट किया गया तब यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। इस गाने को यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीव में प्रेसिडेंट हाउस के सामने शूट किया गया था। आरआरआर फिल्म की ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू को शूट करने में करीब 20 दिन लग गए थे। 4:35 के इस गाने की शूटिंग में खूब पसीना भी बहाया गया। गाने को पूरा शूट करने के लिए 20 दिन लगे और इन दिनों में गाने को शूट करने के लिए 43 रिटेक्स लिए गए, तब जाकर कहीं गाने की शूटिंग कंप्लीट हो सकी।
इस गाने को लेकर रोचक बात यह है कि गाने की शूटिंग करने से पहले गाने को कोरियोग्राफ करने में 2 महीने का समय लग गया, जिसमें 50 बैकग्राउंड डांसर और करीब 400 जूनियर आर्टिस्ट इसमें शामिल थे। तब जाकर नाटू नाटू जैसे दमदार सॉन्ग की शूटिंग पूरी हो सकी। RRR फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग का डांस स्टेप दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित ने इस गाने के स्टेप तैयार किए थे। फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली को ऐसे स्टेप्स चाहिए थे जो दो दोस्तों की बॉन्डिंग और दोनों दोस्त साथ मिलकर कर सके। राजमौली की सोच को प्रेम रक्षित ने डांस में उतारा और नाटू नाटू सॉन्ग के हुक स्टेप करने के लिए 110 मूव्स तैयार किए। हुक स्टेप को इस तरह से तैयार किया गया कि ये पेचीदा ना हो और लोग इसे कॉपी कर सके, ताकि स्टेप्स के जरिए सॉन्ग को बढ़ावा मिल सके। और यही हुक स्टेप आज दुनिया भर में अपना डंका बचा रहा है। नाटू नाटू सॉन्ग के बनने और बनाने वाले लोगों की कहानी काफी रोचक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नाटू नाटू और जिस कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित के हुक स्टेप की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वो कभी सुसाइड करना चाहते थे। प्रेम रक्षित ने इस बारे में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो घर में आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड करने का फैसला कर चुके थे। कभी टेलर की दुकान पर काम करने वाले रक्षित जब सुसाइड करने जा रहे थे, तभी उनके पिता का फोन आया और उन्होंने एक फिल्म में डांस एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने का ऑफर मिला। तब प्रेम रक्षित ने सुसाइड का फैसला छोड़ डांस कोरियोग्राफी करने लगे। आज नाटू नाटू ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। जिस म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी को नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला है, वो कभी असमय मृत्यु के डर से 1.5 साल तक सन्यासी बनकर रह चुके हैं। किरवानी के जीवन में संगीत का सफर 4 साल की उम्र में शुरू हुआ था। तब उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया था। बीच में एक दौर वो भी आया जब जमा जमाया नाम बदलकर उन्होंने MM करीम के नाम से संगीत दिया। हुआ ये था कि इनकी पत्नी MM श्रीवल्ली गर्भवती थी। तब इनके गुरु ने बताया था कि किरवानी को असमय मृत्यु का खतरा है। ये खतरा तभी टल सकता है जब वो पूरे 1.5 साल तक परिवार से दूर सन्यासी की तरह रहे। किरवानी ने गुरु का आदेश मान लिया, गुरु के कहने पर ही नाम बदलकर काम किया। तू मिले दिल खिले, जादू है नशा है जैसे गाने किरवानी की रची ही सदाबहार धुने हैं। There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. नाटू नाटू के संगीतकार MM किरवानी ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ बहुत मानते हैं। किरवानी के बारे में कहा जाता है कि वो मुहूर्त देखकर ही कार से उतरना चाहते हैं। चाहे कितनी भी देर ना हो जाए, किरवानी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि किरवानी अपनी कार में तब तक बैठे रहते हैं जब तक उतरने का सही समय नहीं हो जाता। यही नहीं, मुहूर्त देखकर ही वो कभी किसी समारोह में जाते हैं। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी तमिल मलयालम कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार कर चुके हैं, जिसकी कई धुनें हिट साबित हुई हैं। RRR फिल्म से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रोचक और दिलचस्प हैं। 2022 की फिल्म RRR रामाराजू और भीम नाम के स्वतंत्रता सेनानियों के असल किरदारों पर बनी फिक्शन कहानी है। RRR दो क्रांतिकारियों की काल्पनिक कहानी बताती है जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ते हैं। राजमौली ने कहा था कि उन्होंने नाटू नाटू को एक एक्शन सीक्वेंस के रूप में देखा था, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी एक ब्रिटिश अधिकारी को डांस के जरिए अपने घुटनों पर लाते हैं। मुझे यहाँ छोड़ के मत जा, माँ की बहुत याद आती है। दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को दोस्ती का रूप देकर राजमौली ने जूनियर NTR और रामचरण की भूमिका में पर्दे पर बखूबी उतारा। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए। फिल्म RRR में NTR जूनियर और रामचंद्र ने फ्रीडम फाइटर का किरदार निभाया है,
लेकिन क्या आपको मालूम है कि आरआर का फुल फॉर्म क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि आरआरआर का मतलब राइज, रोर और रिवोल्ट है, यानी आजादी के आंदोलन में जागना, आवाज उठाना और विद्रोह की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि फिल्म के नाम में आरआरआर इस फिल्म से जुड़े तीन खास लोग राजमौली, रामचरण और रामा राव के लिए है। शुरुआत में ये जानकारी सामने आई थी कि ये फिल्म रियल लाइफ कैरेक्टर बेस्ड है, लेकिन बाद में ये साफ कर दिया गया कि फिल्म में रियल कहानी को नहीं बल्कि सिर्फ रियल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया। जो कहानी दिखाई गई वो पूरी तरह फिक्शनल है। आरआरआर फिल्म जोरदार एक्शन से भरपूर है। फिल्म के एक सीन में जूनियर एनटीआर जंगल में नंगे पांव दौड़ते नजर आते हैं। कहा जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान एनटीआर जूते पहनकर सीन की तैयारी करते थे, लेकिन फाइनल सीन के दौरान राजमौली ने उन्हें बुल्गारिया के जंगल में नंगे पैर दौड़ने को कहा था। जूनियर एनटीआर ने डायरेक्टर राजमौली के आदेश का पालन किया और शानदार एक्शन सीन किया। जानकारी के मुताबिक एनटीआर के पैरों में इस सीक्वेंस के दौरान नुकीले पत्थर और कांटे चुभे थे। कहा जाता है कि फिल्म आरआरआर का बजट करीब 500 करोड़ का है। कहा यह भी जाता है कि मेकर्स ने देश भर में फिल्म के प्रमोशन के लिए ही 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इतने बजट में मध्यम श्रेणी के अभिनेता की फिल्म बनाई जा सकती है। पूरी फिल्म को 300 दिनों में हैदराबाद, पुणे, यूक्रेन में बड़े पैमाने पर शूट किया गया। शूटिंग के एक बड़े हिस्से को एल्युमिनियम फैक्ट्री में किया गया था। फैक्ट्री में ही स्पेशल सेट बनाया गया। फिल्म की शूटिंग के लिए 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन किराए पर ली गई थी। राजमौली और उनके परिवार ने उस परिसर में ही एक भव्य बंगला भी बनवाया, जिसमें एडिटिंग शूट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। आरआरआर किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी आईमैक्स रिलीज थी। इस फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर और रामचरण को 45-45 करोड़ रुपए की फीस दी गई, तो वहीं अजय देवगन को 25 करोड़ और आलिया भट्ट को फिल्म में सीता की भूमिका के लिए 9 करोड़ रुपए की फीस दी गई। फिल्म के मुनाफे में एसएस राजमौली और उनके परिवार का एक बड़ा हिस्सा था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स काफी महंगे बिके। सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी पर रिलीज करने के राइट्स से ही इस फिल्म ने 890 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली थी। गोल्डन ग्लोब में छाने के बाद फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर भी अपने नाम कर लिया। लेकिन पहले से नहीं इस गाने ने धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां कुछ भारतीय मूल के लोग नाटू नाटू गाने पर डांस करते नजर आए। खास बात ये है कि वहां मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस के जवान भी इस गाने पर धमाल मचाते नजर आए। अमेरिकी पुलिस के जवान एक पैर को हवा में उठाकर कुछ ऐसा ही डांस करते नजर आए, जैसा फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर ने किया था। कहा जा रहा है कि वायरल डांस का ये वीडियो होली के समय का है, जब भारतीय मूल के लोग इस गाने पर थिरक रहे थे। अमेरिकी पुलिस भी खुद को रोक नहीं पाई उस समय। फिल्म नाटू नाटू गाना जबरदस्त धमाल मचा रहा है। इस गाने की दीवानगी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। कोरिया दूतावास के स्टाफ ने भी इस गाने पर जबरदस्त डांस किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नाटू नाटू नाटू। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, टीम का जीवंत और मनमोहक प्रयास। इस वीडियो को भारत में कोरियाई दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।
इसमें कोरियाई राजदूत चोंग जे बोक के साथ एम्बेसी में काम कर रहे स्टाफ गाने पर डांस करते नजर आ रही हैं। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, क्या आप नाटू नाटू को जानते हैं? हम कोरियाई दूतावास का नाटू नाटू डांस शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। अभिनेत्री शहनाज गिल का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में शहनाज नाटू नाटू गाने पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद का है। इस वीडियो में शहनाज इस खास सॉन्ग पर डांस कर नाटू नाटू सॉन्ग से जुड़ी टीम को बधाई दे रही है। टीवी कलाकार शाहिर शेख का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वायरल वीडियो में शाहिर अपने साथियों के साथ नाटू नाटू सॉन्ग पर जोरदार डांस करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, तभी शाहिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीवी शो वो तो है अलबेला के सेट पर ही डांस का वीडियो शेयर कर टीम को बधाई दी थी। तेलुगु फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। एक तरफ जहां इस फिल्म ने सफलता के नए आयाम छुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके गाने नाटू नाटू ने खास से लेकर आम लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। नाटू नाटू की धुन पर लोग बहुत क्रेजी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसमें अलग अलग लोग इस गाने के स्टेप पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी इन स्टेप्स को देखिए और घर बैठे ही झूमिए।